प्रणाम करने का, तो समझ लो कि अब है नहीं हम लोग न तपस्या है, न साधना है, न संध्या है, न अध्यात्म है। पहले ऋषि मुनि के पास क्या था, उनके पास साधना बल से तो अपना कोई पैर छुआ तो साधना बल से इंगेज हो करते थे अपना। चल हम लोग लल्लू लाल बने हैं, पूजा पाठ कर नहीं पाते, चंदन शिखा सब गायब, पूजा पाठ गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो आपका तेज लेकर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई आपका पैर छूता है तो आपको देता है कि आपसे लेता है, ये मानते हैं ना? तो जब आपसे ले रहा है जो तुम्हारे पास है वही वो लेगा, तो आप घटेगा नहीं। और चूंकि हम लोग इंगेज कुछ कर नहीं पा रहे, माने सृष्टि से, प्रकृति से, अध्यात्म से, पहले ब्राह्मण लेता था तपस्या से तो फिर दुनिया को देता था, संध्या वंदन त्याग तपस्या यज्ञ, वो बंद हो गया, देना जारी है। तो जो पूर्वजों का पुण्य प्रताप वो भी तुम लुटाए पड़े, इसीलिए हम पैर निछवाते नहीं। मेरे पास तो दो नहीं है, और जो हम किसी और से इकट्ठा प्रणाम कर करके इकट्ठा किए तो हम तुम्हें कैसे दे दें? मेहनत करो। आध्यात्मिक रीजन एक ये भी, और एक बड़ा रीजन तो अभिमान है, अहंकार, गलत कह रहे हैं तो बताओ। हाँ, सब हमको प्रणाम करते हैं, इतने बड़े हो गए हम, ये हैं, वो बढ़ता ही है। आप नहीं महसूस होता तो कभी देख लेना। हम ये कहते हैं जैसे मेरा छोटा भाई हो, उसका हक है वो मेरा पैर छुए, मेरा पुत्र है उसका हक है वो मेरा पैर छुए, समझ रहे हैं? कुछ जैसे हमारे गुरु आ गए, हम उनके पैर छुए। पर पैर छुए किसका ये भी, और किससे छुआएं इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सबको पैर नहीं छूते, आपने देखा होगा कि हम भी सबको पैर नहीं छूते, हम भी जनरली सबको पैर नहीं छूते, जिसको अच्छे से गुणानुरोध है बिना न सत्क्रिया, आप गुण जाने बिना सत्कार नहीं, क्रिया पढ़े हैं। चलो यार।